राम राम जी। मैं अमित देख रहा हूँ न्यूज धोरारी इंद्राली गांव में अठे गुगो जी को मेलो भरो 26 तारीख ने। बठे से एक लड़की उठाई गई है, अपहरण कर लियो गयो है थार गाड़ी में और बाजापा बठे बागे घरा मौजूद हैं। बागे घर का से पूरा मामलो जानकारी लेने की कोशिश करा थे। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है अपनो? बिमला। बाबाई के लग गया थारी पत्ती नानेर रहती छोटी सी नानेरो कौन सा गाँव है बाबू? उदास उदास ही है तो उरा कदाई ही उराईवा मेरा प्रिया राखी बनन गई वो। अच्छा या भाई बा लड़की ने बोली बोली मैं मेरो जो क्यों मम्मी हाँ अठो गई वो ये बा अच्छा भाई मन रो तो बा को कोई बेरो भी पाटियो है कि कौन लेगा ही के है कौन लेगा यो है यो थोड़ा हिम्मत तीनों को पत्तो है राजवीर को बेटो नाम है। अच्छा एक लो एक और भी है सागे कोई सागे यो है बनती है बनती है दो ही। अच्छा थार गांव का ही हमारे गांव का आया तो काम ही को नहीं होता जी माता कदे हुई होता थी पूरे सड़क को सुनावनी कौन करे हमारी तो आया भी कोनी के घर अभी ताणी अभी तक की कोनी आया नहीं। पोती चाहे मन तो मेरी पोती चाहे हर बाप थोड़ी मारी कर हगाल दे। ताई जी को कहना है कि अभी ताणी पुलिस प्रशासन भी घर नहीं आयो है। 26 तारीख की बात ही आज 4 तारीख हो गई है, कम से कम भी 8-9 दिन हो गए हैं। अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन कोई नेता जनप्रतिनिधि कोई घर आये होगी? कोई नहीं आयो। और तो गुड्डा जी थे मिले बताओ हो तो बाको क्या कहना है? बकनी वाले 2 दिन की मौत दी हमान तो 2 दिन होया को नहीं के दो बजे जाऊं और आज 2 बजे तानी भी अग्रवाल लड़की नहीं मिली अपनी बेटी जो है दिखा बाद में क्या करोगा? दरनो देंगे और क्या कराई भी मम्मी लगा मम्मी थारी बेटी है वह हमारी तो वह नाने रही पढ़ती की नाने रही पढ़ती वह। अच्छा तो उरा कदाई ही उरा तो 2 दिन पहले ले आई मेलो 26 तारीख को मेलो। अच्छा 2 दिन पहले ले आई थारे साथ में ही आई मेरा साथ गई आई तो उर से जो मेलम टब्बर एक ले गया हा कि कोई साथ में नहीं गयो मान भाई तो ही गर्म हूं बाका पीछे थोड़ी। अच्छा 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 कई बजे से गायब हो गई वा? बा 4 साढ़े 4 बजे का लगभग 4 बजे तो नहीं मेलम गया हा 4:30 बजे बा लगभग होगी। अच्छा तो पुलिस वाला रिपोर्ट दी गई पुलिस रिपोर्ट दे दी पुलिस वाला 27 तारीख ने सुबह 10 बजे तो पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं आयो को नहीं गई इंडाड़ी गांव में ही कौन बढ़िया पुलिस थे थारे घर भी को नहीं आयो के भी को नहीं आई मार तो जन प्रतिनिधि कोई भी आयो के नेता जी कोई को नहीं आयो मैं खुद गुड़ा जी बात तो ही मारी बहु मिला हमें बया बोले मन 2 दिन को टाइम दो। अच्छा हां मैं गेलो आप ही गाल दंगा तारी बच्ची को तो 2 दिन होया को नहीं गे 2 दिन हो जाएगा 2 बजे तानी बाट देखांगा बस आज 2 बजे तक। हाँ, और आज 2 बजे तक अगर बच्ची नहीं मिली तो के बाद में क्या करोगा? बुढ़ा जी माने या कहो कि मैं तारे साथ हूँ कठे भी चलो चे कलेक्टर कन चलो चे SP कन चलो। अच्छा जी पूरा आश्वासन दिया। हाँ, पूरा आश्वासन दिया दादी जी। हाँ? जो बच्ची गायब हुई ही बा के लग गया थारी पोती लग गया भाई मेरी पोती लग गया है तो बा गायब हुई जी टाइम थे भी मेलम गेड़ा आगे मेलम गेड़ी में भी। अच्छा तो थान कच्ची बेरो पाट्यो माने तो रात में बेरो पाट्यो। अच्छा तो बने जो लेगा ही बाको भी कोई बेरो है की बाको बेरो है बाको तो बेरो भाई भाई मारे गांव का ही छोरा ही गांव का ही तो पुलिस से शिकायत करी शिकायत में तो सो क्यों कर आया हमारी कोई सुनाई को नहीं कर लियो के करा गए तो पुलिस आई को नहीं अभी तक मारा तो कोई को नहीं चेड़ी को नहीं 26 तारीख के बाद आती है अभी तक कोई भी पुलिस को नहीं चेड़ी को नहीं पड़ी मारे घर। अच्छा तो थे के कहना चाहो पुलिस में तो यहाँ करना चाहो हमारी छोरी ला दो माने आज 2 बजे तानी की मान मोहलत दिने और 2 बजे तक अगर लड़की नहीं मिली तो उसके बाद में क्या करसियो? क्या करांगा मैं कलेक्टर कर जाके धरनो देंगा धरनो दोगा? हाँ धरनो देंगा कि तुम्हें मरांगा ना कलेक्टर कराएंगे भाई मैं तुम क्यों तो कराएंगे बताओ मारे मैं क्या करा जो कोई आए ना ना मारा करा कोई को नहीं बारे गाँव को सरपंच को नहीं आ रही तो थे जो गुड्डा जी ही गुड्डा जी कन गया है गुड्डा जी उरा आया गुड्डा जी कन मैं गया है तो बे क्या आश्वासन दियो है भैया बोला दो वो आप की कैसा के बात की वो तो मान के रहना बोले 2 दिन की मान बोल रहे दिन 2 दिन होगा 2 बजे जैसे। अच्छा गुड्डा जी थारे साथ में खड़े हैं? हाँ हमारे साथ में पूरी मदद कर रहे हैं। हाँ पूरी मदद कर रहे हैं ते देख रहे हो आगो रो रो के बुरो हाल हो रहे है और जो बच्ची है 26 तारीख की गई है पुलिस प्रशासन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। घर वालों को कहना है कि अभी तक घरा भी नहीं आके चल रहा है पुलिस प्रशासन गुड्डा जी ही बस जरूर आश्वासन दे रखे है कि थारी बच्ची वापस आवेगी धीरज रखो हमारे चैनल के माध्यम से ते क्या कहना चाहो? मैं ये कहना चाहूँ ये पुलिस प्रशासन है जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और मेरे भाड़ ने लेके आवे और ये जो आरोपी है ना ये जो लड़का मैंने उचित से उचित प्रकार की सजा देवी। राम राम जी। राम राम जी। के नाम आप? शेर सिंह। शेर सिंह जी थे के लागू बच्ची का पिताजी तो यो मामलो कद को है?
तो मामलो 26 तारीख को है सर। तो 26 तारीख को है, आज 4 तारीख होगी। हाँ, 9 दिन हो गए। तो कहीं से क्या घटी और क्या घटनाक्रम हो के पूरी जानकारी? नाबालिग बच्ची थी, तीन भाण भाई यहाँ से गए थे और वो मेले में गए थे, मेला देखने। हमारे गोगा मेडी का मेला बढ़ता है, उसमें तीनों बच्चे गए, वो साथ में थे। बाद में दोनों, एक बहन बड़ी है वो अपने दोस्त के साथ में रहने लगी और छोटा बच्चा और वो बच्ची साथ में थे। वो उसको पैसे देने लगा पूछ के, जब वो बंटी है वो साथ में लेके कैसे गया पता नहीं साहब इसका। तो थे कह रहे होगी बंटी ले गो, तो पूरे शक बिप शक का आधार पर कह रहे हो या कन्फर्म है? कन्फर्म है, उसका फोन रिकॉर्ड करवा लिया, कॉल डिटेल करवा लिया साहब। और हेमंत लंबा है राजकुमार का, उसकी भी कॉल डिटेल करवाई साहब। बंटी की और हेमंत की दोनों बात हुई है और गांव वाले कह रहे हैं कि हेमंत ने भी पूरा पूरा साथ दिया। तो देखो ये ज्यादातर मामला है कहो है कि जहाँ पल्ली से कोई बातचीत हो है या फिर है कि कोई थरागा ही हो है? ना, पहले कोई बात नहीं हो रही भाई, ये भी मेले से उठाई गई इस बच्ची को और हेमंत ने पूरा साथ दिया। हमारे घर पर पहले दिन आया है और ये उसने उसको बताया कि एक काम करना ये करना भाई, ये बच्ची हम दो दिन पहले नानेर से लेके आए उसको, नहीं वो नैनीवाल पढ़ती थी। कटे रहती बात? उदास। उदास में? हाँ जी। अच्छा, और मेला देखना ही या फिर? मेला देखने के लिए आई थी यहाँ अपनी मम्मी के साथ में। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन ने शिकायत करी, कौन करी? पुलिस प्रशासन को 27 तारीख को रिपोर्ट करवा दी। अच्छा अच्छा, तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही होगी? पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, हमारे घर तो एक दिन में नहीं आया और बंटी के किसी के घर पे नहीं गए वो। पुलिस प्रशासन अपने थाने से बाहर नहीं जा रहा हमारे मैटर में। तो वो 26 तारीख की बात है, 4 तारीख होगी, 8-9 दिन निकल गया, अभी तक पुलिस प्रशासन थारे घर आके सुध बुध कौन ली? सुध बुध कुछ नहीं ली, दो लड़कों को हमने पकड़वाया था यहाँ से, वो पकड़े बस, वो कुछ नहीं कार्रवाई कर रही प्रशासन। और नेताजी वगैरह जो भी हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वह आके चल गया पूछा कोनी? हाँ, नेताजी साहब राजेंद्र गुड्डा साहब आए थे, उन्होंने हमें 2 दिन का समय दिया, इसलिए हम 2 दिन तो हमारे घर पर बैठे हैं और 2 दिन बाद में हम कलेक्टर सामने प्रदर्शन करेंगे। नेता और आ जाते हैं, वो कहते हैं हमें वोट दो वोट दो, सरपंच आ जाते हैं हमें वोट दो, आज कोई नहीं आ रहा हमारे घर पर। अच्छा जी, तो ये थे जदबन राजेंद्र जी, था 2 दिन को टाइम दियो बताऊँ ही। हाँ। 2 दिन में अगर लड़की नहीं मिली तो क्या करोगा? 2 दिन में यदि लड़की नहीं मिली तो हम कलेक्टर के सामने एसपी के सामने धरना देंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे साहब, और क्या करेंगे। देख रहे हो थाने जो भी मामला है वो पूरा थाने दिखाए गए है, आके घर का को के करना है के नहीं करना है, घर का को रो रो के बुरो हाल हो रहा है। और वो तो सिंपल सी बात है, कोई की लड़की घर से जा है उन्हें ही पता चल रहा है कि के हो रहा है के नहीं हो रहा है। जो भी मामलो थाने सुना दियो गयो है, आगे की कार्रवाई ये कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे है। नेताजी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई आके नहीं चल रहे है। राजेंद्र जी गुड्डा ही एक बार से जाके आपको परिवार मिलियो है, बस 2 दिन को टाइम दियो हो, आज 2 बजे तक वो टाइम भी पूरा होना जा रहे है। अब आगे की कार्रवाई है ये कह रहे हैं परिवार, कह रहे है कि कलेक्टर को घेराव करांगा, कलेक्टर का आगे प्रदर्शन करांगा, धरना देंगा जब तक हमारी बच्ची मानना हमारी बच्ची चाहे और कुछ ही कौन चाहे। 2 सजा मिले आपको कहना को यो है कि परिवार कह रहे हो मानना हमारी बच्ची चाहे कोई भी हालत में।